हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर और आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूं। मेरी जो पुरानी वीडियोस थी उससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। जब मुझे रोज मैसेजेस आते हैं कि मैम हम पास हो रहे हैं, हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कहा कि कुछ ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें हमें पता चल सके कि इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सो, ये जो वीडियो है इसमें मैंने 10 बेसिक बेनिफिट्स दिए हैं जो कि आपको बताते हैं कि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनते हो तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इंश्योरेंस एडवाइजर बनने में। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इंश्योरेंस एजेंसी लेने का, वो है स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ ओनली 18 इयर्स। देखिए, इंश्योरेंस एजेंसी में इतनी पावर है कि आप सिर्फ 18 साल की एज में कमाना शुरू कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको जैसे पता ही है, वो है इसमें 10th। बेसिकली इंसान क्या है, कोई भी 10th पास कर ले, 18 साल की उसकी एज हो जाए तो वो इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है और एक लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर बन के अपनी अर्निंग्स स्टार्ट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज रॉयल्टी इनकम बिजनेस। जो इंश्योरेंस एजेंसी है ये एक रॉयल्टी इनकम बिजनेस की कैटेगरी में आता है। देखिए, रॉयल्टी इनकम बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम काम तो करेंगे सिर्फ एक बार पर उसका जो बेनिफिट है वो हमें सालों सालों तक मिलता रहता है। तो देखिए, कोई भी अगर हम काम करते हैं, अगर हम कोई शॉपकीपर हैं या कोई हम जॉब करते हैं, तो हम एक बार काम करते हैं और उसका जो बेनिफिट है, इनकम है, वो हमें एक बार मिलता है। पर इंश्योरेंस एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सिर्फ एक दिन के काम पे आपको जो इनकम है, जो रॉयल्टी इनकम है, वो सालों सालों तक, जब तक आपके द्वारा की गई पॉलिसी चलती रहती है, आपको उसकी इनकम मिलती रहती है। देखिए कितना बढ़िया काम है जिसे हम रॉयल्टी इनकम बिजनेस की कैटेगरी में रखते हैं। आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की पेंशन खत्म हो चुकी है और प्राइवेट जॉब्स में तो पेंशन ऑलरेडी है ही नहीं, तो बचा क्या। देखिए, इंश्योरेंस एजेंसी जो है ये ऐसा बेनिफिट है जिसमें आपने एक दिन काम किया और बेनिफिट आपको 25 से 30 से 35 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म ऑफ द पॉलिसी, मिलता रहता है। तो सबसे बढ़िया बेनिफिट है रॉयल्टी इनकम बिजनेस का बेनिफिट। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है बी योर ओन बॉस। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनते हो तो आप अपने बॉस खुद हो। देखिए, अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज हैं और आप अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस एजेंसी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप अपना टाइम और एफर्ट अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए और जितना चाहिए उतना आप कमा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स। देखिए, जो इंश्योरेंस एजेंसी है इसमें फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स रहेंगी। अगर आप देखिए कहीं पे एक जॉब करते हैं तो आपको 9 to 6 और उससे भी ज्यादा टाइम जो है वहां पे फिक्स बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पर इंश्योरेंस एजेंसी में आप क्या है, अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग्स को फिक्स कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप छुट्टी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। अब इसमें ये बेनिफिट है कि जो रिटायर्ड पर्सन है या फिर जो हाउस मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टाइम का अपने अकॉर्डिंग और अपने लिए अर्निंग्स कर सकते हैं। बिजनेसमैन है या प्राइवेट जॉब्स में जो लोग हैं वो भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए इंश्योरेंस एजेंसी ले सकते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एजेंसी उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इंश्योरेंस एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसमें जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो है आपका टाइम और आपका एफर्ट।
एफर्ट। देखिए पूरे अगर हम अराउंड अपने सराउंडिंग देखते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो हो, पर इंश्योरेंस एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए आपका टाइम और आपके एफर्ट्स। आप जितना टाइम और जितना एफर्ट्स अपनी एजेंसी में देंगे, आपको उतने ही जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज बिल्ड अ स्टेबल इनकम एंड कंट्रोल द ग्रोथ। अब देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा स्कोप है कि इसमें अपर लिमिट कोई है ही नहीं। आप जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं, जितना टाइम आप देंगे, जितना आप एफर्ट देंगे, आप उतना अर्न कर सकते हैं। आप अपने चेक्स खुद लिख सकते हैं। इसमें अर्निंग्स की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इनकम जनरेट की जा सकती है। बस आपको थोड़े से अपनी सर्विस एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज यू विल एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। देखिए इंश्योरेंस एजेंसी को आप जॉब की कैटेगरी में भी कह सकते हैं, बिजनेस की कैटेगरी में भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जो सिक्योर्ड काम है। देखिए जब पेंडेमिक आया, सभी कामों पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, पर इंश्योरेंस एजेंसी पर हार्डली कोई इफेक्ट पड़ा है। इंश्योरेंस एजेंसी सालों से चलती है और सालों साल ये चलती रहेगी, क्योंकि जब तक लोग घर बनाएंगे, अपनी गाड़ियां चलाएंगे, हेल्थ की उनको चिंता है, रिस्क से वो डरते हैं, तब तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री रन करती रहेगी और इंश्योरेंस एजेंसी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। नाउ एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर प्ले करता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो एक टीचर, वो हमारी लाइफ को एक सही दिशा दिखाता है। उसी प्रकार अगर हम एक इंश्योरेंस एडवाइजर का रोल देखें तो वो हमारे फंड्स को सही जगह पे इन्वेस्ट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, देन रिटायरमेंट प्लान, देन फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ये प्रॉपरली कैसे हो, ये तभी होंगे अगर हमें सही वे में कोई गाइड करेगा, और वो हमारी हेल्प करता है एक इंश्योरेंस एडवाइजर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर प्ले करता है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है सोशल सर्विस। देखिए जो इंश्योरेंस है उसको कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ये आप सभी जानते हैं। और कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो अचानक हो जाए। देखिए हमारे सभी की लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि बगैर बताए आती हैं, तो उस टाइम पर कोई भी मुसीबत के समय पर हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर हमारे साथ हैं या नहीं है डिपेंड्स, बट एक इंश्योरेंस एडवाइजर हमेशा आपके साथ रहेगा, मुसीबत की घड़ी में आपकी हेल्प करेगा। जो इंश्योरेंस करवाई गई है उसके बेनिफिट्स आपको देगा, उसको बेनिफिट्स को लेने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस एडवाइजर है वो सोशल सर्विस पे करता है। नाउ द लास्ट पॉइंट जो है वो है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। देखिए अगर हम इंश्योरेंस एजेंसी को अपने को रन कर रहे हैं और उसको ज्यादा अच्छे से रन करते हैं, तो इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन हमें मिलती है। हम बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। MDRT, COT, TOT इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हमें अर्निंग्स तो होती हैं, साथ में हमें जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिलता है। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनते हैं तो आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं, अपना चेक में जो अमाउंट है वो खुद भर सकते हैं, और जितनी चाहे अर्निंग्स उतनी आप कमा सकते हैं और लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।